वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दिया है कि हाफ लाख वोट से हाँ हारने वाला है, ये कोई दोहरा या नहीं है। तो क्या आपको लगता है 100% कॉन्फिडेंट मैं पार्षद कुछ नहीं है, बीजेपी जीते, ये पार्टी का उम्मीदवार है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी। क्या जमानत भी जब्त होने का क्या चांस है? अभी भी इस हालत में नहीं है कि टीएमसी कंपनी अगले दिन चुनाव में इस हालत में चला जाएगा। क्या लगता है जिस तरह से वो ग्राउंड में आज आई है, मंदिरों में जा रही है, कहीं ना कहीं वोट बैंक को देखिए 9 साल 9 महीना गवर्नमेंट का आयु 3 महीने है, ये पूरा के पूरा करीब करीब 10 साल तुष्टिकरण का प्रैक्टिस है, एपीजमेंट का प्रैक्टिस है। लोकसभा चुनाव का बात ओपनली बोला, जो गाय ने दूध दिया उसको तो कुछ लाथीरा क्या बोलता है खाना है। तो इसलिए तो तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स तो ममता बनर्जी करता है, घुसपेटिया का सपोर्ट पे जुलूस निकला एनआरसी के खिलाफ, इधर रोहिंगा है रोहिंगा को नहीं खतरा रहा है, ये तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स ममता बनर्जी कर रहा है। इसलिए इसका तो रिवर्स अगेंस्ट ममता बनर्जी वेव है, तुष्टिकरण के खिलाफ है। देखिए एक चीफ मिनिस्टर 10 साल पश्चिम बंगाल में शासन किया, उसकी तो रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए, ये सब क्यों कर रहा है? भूल भाल हिंदू का मंत्र गलत तरीके से चंडी मंत्र, पहली सरस्वती वंदना सब भूल भाल, राम नाम के ऊपर अपशब्द बोलता है अशुभ शब्द, ये सब करने का जो हिंदू वो तो टाइटल बैनर्जी है ब्राह्मीण, हिंदू हिंदू करने का स्तोत्र पाठ करने का और शाम को चुपी चुपी हिजाब पर के पीर का मजार भी गया नंदीग्राम में, सब ही कर रहा है, सब लोग देख रहा है, स्मार्टफोन में छवि के वायरल हो रहा है।